रास्तों में हो सिर्फ कहकशां, मन न मेरी क्या करूं बता, अगर तुझे खबर है तो बता। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। बेटा फातिमा को दुपट्टा उधर से ठीक कर देना। जी कभी भी नहीं, ये ऊपर रख दो इसकी शर्ट। ये प्यारे जोड़े बने हैं ना, डिजाइनर ने बहुत अच्छे बनाए। बहुत प्यारी लग रही है फातिमा, ऐसे तो तुम हो ही इतनी प्यारी, पर आज कुछ और ही रूप है तुम पे। थैंक यू आन, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। बहन हूँ तुम्हारी, मरते दम तक साथ दूंगी तुम्हारा। हानी आप ही, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो भाई, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रहे हो। पर हानिया, जोया, तुम दोनों भी। इन दोनों के जाने के बाद प्लीज तुम मेरे पास आ जाना। हाँ हानिया, अम्मी को अकेला मत छोड़ना प्लीज। मैं कहाँ जाऊंगी, आप लोग ही मेरी फैमिली हैं। अच्छा तुम दोनों यहाँ बैठो। बेटा तुम जरा मेरे साथ बाहर आओ, हम काम वगैरह देख लें, और लोग आ रहे हैं उनको भी रिसीव कर लें। हर्षमत, क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वही हुआ जिसका डर था। आज मॉल में सायरा मिली थी, उसी लफंगे के साथ जो आप उसका शोहर। क्या कह रहे हैं आप, अम्मी से मिले थे? हाँ बेटा। क्या उन्होंने कुछ पूछा तो नहीं? आपने ये तो नहीं बताया कि हम आपसे मिलते हैं? पूछा ना बेटा, पूछ रही थी फातिमा कहाँ है। फिर आपने क्या कहा? मैं उसे कहा उसके घर छोड़ने के बाद फातिमा मर गई। मामू जान, या अल्लाह, श्रुति आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो क्या कहता मैं, क्या कहता मैं था कि आज फातिमा वलीद के घर जा रही है, आज उसका महीना है, ये बोलता मैं। फातिमा की जिंदगी पर बात हो जाती थी कहीं। अच्छा प्लीज आप जो हो गया उसके बारे में मत सोचें, खुशी का मौका है, प्लीज परेशान मत हो। काश सायरा मेरी बहन ही ना होती, आज उसकी मुझसे फातिमा के लिए मेरी जबान से इन्हें इनफास निकले। अच्छा हर्षमत, अब ना सोचें इन बातों के बारे में। देखिए हमारी बेटियों की खुशी का दिन है और मेहमान भी आ रहे हैं, आप चलें प्लीज आइए।